X is past, present is past. So movie. Past, so is present. Past is present. So after character kya movie kya? I'm playing an upcoming actress in this film, जो कि मैं हूँ. So this film is, okay, this film is about K. K is a filmmaker, जिन्होंने कई films बनाए हैं, और उनकी life में कई female characters आते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सब girlfriends हो, but filmmaker है तो ये जायज़ है कि कोई film actress भी आएंगी. तो I'm playing that girl, an upcoming actress. मैंने एक डायरेक्टर के साथ किया. मेरा डायरेक्टर है अभिनव शिव तिवारी. इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में होता है कि आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा. तो एक्ट्रेस तो मैं हूँ, तो ज्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ा. मैं बस गई, डायलॉग्स दिए गए, याद किया, बोल दिया. कितनी सारी चीजें रिलेट करती है आपके रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, बिकॉज़ आप एक यू नो एक्ट्रेस का ही एक्ट्रेस की ही भूमिका कर रही हैं रियल लाइफ में. एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. लव ट्रायंगल के बारे में सुना है, पर ये लव स्क्वायर है एक्चुअली. और रियल लाइफ में मेरे जो डायरेक्टर्स रहे हैं, मेरे बारे में बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं, और हमारे पास डायरेक्टर के साथ अफेयर करने का टाइम भी नहीं है. पर यहाँ मेरा डायरेक्टर के साथ अफेयर हो जाता है, और मेरा और एक बॉयफ्रेंड भी है फिल्म में. डिफरेंट एंड यूनिक. देखिए, मैं ये फिल्म करने का एक और रीजन है कि ज्यादातर ये फिल्म करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि 10-11 डायरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं. तो मुझे लगा था कुछ 10 कहानियां जैसे कुछ होगा, लाइक 10 डिफरेंट स्टोरीज. बट जब मुझे बताया गया कि इट्स अ सिंगल फिल्म, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 11 डायरेक्टर्स एक साथ एक फिल्म कैसे बना सकते हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो आई वॉज मोर क्यूरियस इन द जॉनरा ऑफ द फिल्म, इन द प्री प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म, कि हाउ इज दैट पॉसिबल. तो आई डिड दैट फिल्म आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. हाँ, इसमें और भी बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, कोई न्यू कमर नहीं है, सबने एक या दो फिल्म्स किया है, और सब दे आर ऑल गुड डायरेक्टर्स. तो बट ये एक अच्छा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि मतलब मुझे पर्सनली हर डायरेक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा. अगर मैं एक फिल्म करूं तो बाकी और 10 डायरेक्टर मेरा काम देख रहा होगा. जी, कितना चैलेंजिंग था आपका किरदार? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, बिल्कुल ही नहीं. मैं एक्ट्रेस हूं तो एक्ट्रेस का ही रोल प्ले किया. इम्पोर्टेंस तो रखती है, हर फिल्म एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है. मैं चाहूंगी कि ये फिल्म सब लोग देखें, क्योंकि ऐसा फिल्म शायद इंडिया में पहले नहीं बनी है. तो ये फिल्म बहुत ही यूनिक है, मतलब 11 डायरेक्टर्स, मतलब 11 अलग अलग जॉनरा है. हर डायरेक्टर का अलग पर्सपेक्टिव है, हर डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग का तरीका अलग है. तो इट्स गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म. सो आपके अकॉर्डिंग इस मूवी से आपकी जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाएंगी? हाँ, जरूर. इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, हाँ. इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो उसमें आपकी खुद की पहचान दिखेगी ऐसा है? हाँ, मैंने अपना काम लाइक आई गेव माई 100%. मैंने अच्छा काम किया, एंड आई हैड फेथ इन माई डायरेक्टर. उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया. तो सिर्फ मैं नहीं, सब ने अच्छा काम किया है. तो सबका, सब अपने कैरेक्टर्स का मार्क छोड़ेंगे, आई फील. तो इस फिल्म में आपको कोई रोमांस वाला एंगल है कि? रोमांस है ना. ओके, तो रजत कपूर के साथ ही है? रजत कपूर के साथ. ही हिमसेल्फ इज अ बिग एक्टर, ही इज अ बिग डायरेक्टर. तो एक्चुअली मतलब मैं शुरू में बहुत डर रही थी कि उनके साथ कैसे काम करूं, पर फाइनली मुझे डरना नहीं पड़ा, क्योंकि मोस्टली आई वॉज एक्टिंग विद द कैमरा. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म में रजत कपूर खुद हो. ये फिल्म रजत कपूर के पर्सपेक्टिव से है, तो आई वॉज एक्टिंग विद कैमरा. व्हेन यू
आर टॉकिंग, यू कांट सी योर सेल्फ, ठीक है ना. आई कांट सी माई हैंड्स, ठीक है, आई कैन सी माई बॉडी पार्ट्स बट आई कांट सी माई सेल्फ. तो मोस्टली इस फिल्म को उसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया. तो मेरे सेगमेंट में रजत कपूर नहीं है, फिर भी है, ही डिड द वॉइस ओवर. थैंक यू. Where do I look? Center. Okay. English is okay? Both. And mixed. Okay. Okay. Because all are, you know, Hindi. Different. Achha, all are Hindi channels. So I'll mix it up. English. English, yeah. Film is also English. Roll hai bhai? Roll. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में. इसमें 11 डायरेक्टर लोग भी, में 11 पर्सन है, कितना मुश्किल रहा मुश्किल नहीं रहा वही मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म बाय योरसेल्फ. आई हैव मेड ओनली वन फीचर फिल्म, एक बंगाली फिल्म बना था पांच अध्याय बोल के, दिया मिर्जा के साथ. अगर अकेले फिल्म बना रहे हो तो बहुत कुछ दिमाग पे रखना होता है लॉजिस्टिकली, नॉट द मेकिंग ऑफ द फिल्म, रिलीज, प्रमोशन, मार्केटिंग, यू नो, लिटिल थिंग्स, व्हाट विल योर हीरोइन वेयर एट द प्रीमियर, यू नो, स्टफ लाइक दैट. बट व्हेन देर आर 11 डायरेक्टर्स, बहुत कुछ ऐसे स्प्लिट हो जाता है, यू नो, अरे वो तू देख लेना, अरे वो वहाँ पे तू चला जा. सो दैट वॉज अ, यू नो, हेडेक वाइज बहुत लेस था. एंड ऑल्सो बिकॉज 11 फिल्म मेकर है, हमने सिर्फ 3-4 दिन एवरी वन वी शॉट सेपरेटली. तो इट्स ईजियर टू हैंडल समथिंग विच इज 3-4 दिन एज अपोज टू 30-40 दिन का शूटिंग. सो आई सॉ नथिंग विच इज नेगेटिव अबाउट 11 फिल्म मेकर्स गेटिंग टुगेदर. एक दो जगह जब हम मिलते थे एक साथ, और यहाँ पे जुहू में सी प्रिंसेस में वी यूज टू गेट टुगेदर एंड डिस्कस द स्क्रिप्ट्स, कि सबका स्क्रिप्ट मिलके क्या एक साथ क्या झोल बन रहा है. तो जब वो हम करते थे तो कभी कभार झगड़ा होता था, देयर यूज्ड टू बी वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, बट समथिंग गुड ऑलवेज केम आउट, अच्छा ही कुछ निकलता था वो क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट्स. लेकिन जितने भी 11 डायरेक्टर्स हैं इस लॉबी में, सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है. तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म में 11 तरह के सीक्वेंस हैं, 11 तरह की चीजें हैं, तो फिल्म में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि सोच इसमें अलग हो सकता है. कन्फ्यूजन, आई अग्री विथ यू, कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि 11 फिल्म मेकर्स का 11 जॉनर है, 11 डिफरेंट जॉनर. लाइक सुपर ने एक हॉरर सेगमेंट किया है, मैंने एक प्योर लव स्टोरी बनाने का कोशिश किया है, देन एक सेगमेंट है विच इज जस्ट डायलॉग्स एंड वेरी लिटिल विजुअल. सो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, बट दैट इज द यूनिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट. आप जब जा रहे हो टिकट खरीद के एक फिल्म देखने जिसमें 11 डायरेक्टर्स है, आपको कहीं पे पता है, जैसे आपको भी लगा कहीं पे पता है कि हो सकता है कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है. एंड व्हाट इज द बैड थिंग दैट मे बी आपको सेटल करने का चांस नहीं मिले एज एन ऑडियंस कि क्या हो रहा है भाई, अरे ये हो गया, अरे ये खत्म हो गया. ये हो सकता है बिकॉज एवरीथिंग कैन गो रियली फास्ट, बट द गुड थिंग इज बोर होने का चांस बहुत कम है. स्टोरी है कि रजत कपूर के बोल के, एक के का पूरा नाम हम फिल्म के एंड में रिवील होता है क्योंकि उसका एक प्लॉट के साथ एक संबंध है. तो रजत कपूर प्लेज अ फिल्म मेकर कॉल के, उसका एक लड़की के साथ एक फिल्म फेस्टिवल के पार्टी में उसका मुलाकात होता है. एंड शी एंड रजत दे स्पेंड द एंटायर नाइट टुगेदर एट डिफरेंट प्लेसेस, यू नो, होटल में, स्विमिंग पूल के पास, लॉबी में, इधर उधर. एंड शी रिमाइंड्स हिम ऑफ ऑल हिज एक्स गर्लफ्रेंड्स. और ये जो अलग अलग एक्स गर्लफ्रेंड्स का सेगमेंट्स है, दे हैव ऑल बीन डायरेक्टेड बाय डिफरेंट फिल्म मेकर्स एंड दे हैव बीन शॉट एट डिफरेंट प्लेसेस. मेरा सेगमेंट इज शॉट इन कोलकाता, समथिंग इन चेन्नई, समथिंग इन लंदन, समथिंग इन सैन फ्रांसिस्को, डिफरेंट जगह. लास्ट में चलते चलते फिल्म की ऐसी क्या यूएसपी है जिसको देखने के लिए व्यूअर्स थिएटर में जाएं? मुझे पता नहीं है ऐसा कोई फिल्म इंडिया में कि दुनिया में हो जहाँ पे 11 फिल्म मेकर्स ने डिफरेंट स्टोरीज बनाए हैं लेकिन सब कनेक्टेड है एक ही फिल्म में. यूजुअली जैसे 10 कहानियाँ हैं
ऐसे दुनिया में बहुत फिल्म होते हैं जहाँ पे 3-4 फिल्म मेकर मिलके अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं 10 मिनट 20 मिनट, बट यहाँ पे सब फिल्म मेकर मिलके एक ही स्टोरी रजत कपूर का कैरेक्टर का स्टोरी बताना की कोशिश कर रहा है. सो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट एंड अभी इंडियन फिल्म मेकिंग आर टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स. इट्स नो लॉन्गर जस्ट अबाउट प्रेम रतन धन पायो एंड दिलवाले मसान जैसे फिल्म लोगों को अच्छा लग रहा है, आंखों देखी को लोग भा रहे हैं. सो इन दैट सर्कमस्टांस एक्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग एंड आई होप पीपल चेक इट आउट फॉर अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मैंने यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड विद व्हाट यू थिंक ऑफ एक्स. तो उस फिल्म ये फिल्म जब रिलीज हो रही है उस दरमियान बॉलीवुड की एक दो और बड़ी फिल्म भी आ रही है. हाँ. तो उस फिल्म वो उस टाइप की कमर्शियल जोनर की फिल्म जिसकी बहुत अच्छे से प्रमोशन हो रही है. इस चीज में फील होता है कि अगर उन मूवीज के साथ हालांकि सेम डेट नहीं बट आगे पीछे है तो दबने के चांसेस हैं या फिर कोई ऐसा हो कि हाईलाइट ना हो पाए उस वे में. इसमें अगर सिंगल रिलीज होती और उसके बाद बड़ी मूवी काफी टाइम बाद रिलीज होती. मैं फिल्म क्रिटिक रह चुका हूँ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर कैलकटा के. अगर मुझे कोई बोला जाता कि जेम्स बॉन्ड रिलीज हो रहा है, तमाशा रिलीज हो रहा है, एक्स रिलीज हो रहा है एक ही फ्राइडे में, मैं पहले जेम्स बॉन्ड देखूंगा, फिर तमाशा देखूंगा, फिर एक्स देखूंगा. सो आई कम्प्लीटली अग्री कि दबना ही चाहिए बिकॉज इट्स अ स्मॉल फिल्म. लेकिन वी आर लकी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, कि इस वीक ओनली हिंदी रिलीज इज एक्स एंड लास्ट वीक प्रेम रतन का थोड़ा मिक्स्ड रिव्यूज है, मंडे को बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है. So maybe people will try to find out ki ye X kaisa bana hai. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.